बहुत लोगों का एक वहम है कि तरबूज खाने से शुगर बढ़ती है। हालांकि तरबूज जो है आपकी बॉडी में कई सारे ऐसे मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो आपके मस्कुलर हेल्थ के लिए, आपके कार्डियक हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ आपके बॉडी में विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत बड़ा रोल रहता है। पेन हो गया, क्रैम्प्स बॉडी में आने शुरू हो गए, लिथार्जिक फील करते हैं, थका थका, वो सारे सिम्टम्स आपके दूर करता है और बॉडी में आपको अच्छा रिलैक्स फील करता है। तो जो लोग लगातार इसका सेवन करते हैं, चाहे वो अचार के फॉर्म में चाहे इसकी सब्जी के फॉर्म में हो, तो उस बंदे का केवल एक महीने खाने से ये उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जो नॉर्मली हम सब नॉर्मली खाते हैं, बट इसके सही खाने का ना है हमें तरीका पता। बहुत सी चीजें इसकी है जो हम इसको फेंक देते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसका हमारे बॉडी में बेनिफिट्स है और क्या हम इसमें एड ऑन करें ताकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम और एनहेंस कर सके। तो ये चीज है हमारे पास तरबूज। वाटर मेलन जो है हमारे देश में गर्मियों की सबसे बड़ी सौगात है और हर घर में खाए जाने वाला एक आइटम है। अब बहुत लोगों का एक वहम है कि तरबूज खाने से शुगर बढ़ती है। हालांकि तरबूज का जो अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बेशक ज्यादा है, बट इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। माने कि इसको अगर हम नॉर्मली बॉडी में इसका शुगर जो है वो जल्दी बहुत स्पाइक होता है, बट ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में इसे राइज अप नहीं होता। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला मिनरल है वो है आपके पोटेशियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके कार्डियक हेल्थ के लिए, आपके दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसके चलते इसके एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम हो जाता है, लोग इसको नमक के साथ लेते हैं, तो वो चीज ना ही करें। इससे बचने के लिए आप नॉर्मल ही इसको खाइए। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। तरबूज जो है आपका तकरीबन 92% इसमें पानी ही पाया जाता है, रिमेनिंग 8% में इसमें फाइबर और बाकी के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका तकरीबन 20% जो हिस्सा है वो इसके छिलके में ही आ जाता है। तो इसके साथ साथ इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका छिलका क्या काम करता है, इसकी सीड्स क्या काम करते हैं, इसको अगर रॉ फॉर्म में लेते हैं तो क्या काम करते हैं, इसका जूस अगर हम बनाते हैं तो इसका हमें क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर जो लोग वैसे तरबूज नहीं खाते और जूस पीने की शौकीन है तो उनको एक तरीका बताते हैं जिससे उसकी जूस का पूरा फायदा मिल जाएगा। मेन जैसे मैंने आपको बताया कि तरबूज में 92% आपको वाटर कंटेंट मिलता है, रिमेनिंग में 8% आपको फाइबर एंड मिनरल्स मिलते हैं। जब आप इसका जूस बनाते हैं तो आपका फाइबर कंटेंट जो है वो मोस्ट ऑफ अगर आप छानते हैं तो सारा का सारा खत्म हो जाता है, और अगर आप नहीं छानते हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में इसमें रह जाते हैं। अब इसका पूरा अच्छे से फायदा कैसे ले सकते हैं, एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपने तकरीबन 250 से 300 ग्राम जितना तरबूज लिया है बिना सीड्स के, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें 25 से 30 ग्राम जितना डंडी के समेत पुदीना लीजिए। पुदीने को अच्छे से आप वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद जब आप इसका जूस बनाएंगे तो आप उसी में इसको कर लीजिए। अब इसके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स जो आपके पुदीना के अंदर है, जिसके अंदर पाए जाने वाला विटामिन सी है, अलोंग विद दैट आपके वाटरमेलन में जितने भी मिनरल्स थे, ये अपने आप में एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन बन जाता है। इसका काम क्या रहता है कि आपकी बॉडी में जितना भी इसके अंदर लिक्विड है वो लिक्विड सारा का सारा आपके बॉडी में रिटर्न हो जाता है और आप डिहाइड्रेशन से बचते हैं। तो ये बात रही हमारे वाटरमेलन के ड्रिंक की। अब अगली बात करते हैं इसकी छिलके की। इसका जो छिलका है इसके अंदर कई सारे आपको ऐसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो आपकी बॉडी को बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं। आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, आपका पाचन बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर कहीं भी स्वेलिंग आती है, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो आपके लिवर में हो, लंग्स में हो, क्योंकि जो इसका छिलका है ये अपने आप में एक एंटी डायबिटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फिब्रिल है, मतलब आपको बुखार से भी बचाता है। आपकी बॉडी में कहीं भी अगर स्वेलिंग आती है उसको भी खत्म करता है, और अगर आपको डायबिटीज होने के लक्षण भी शुरू हुए तो उसको भी ये खत्म करता है। अब इसका यूज कैसे करना है, अपने के नॉर्मल जो पिलर है जिससे हम पोटैटो पील करते हैं, आलू पील करते हैं, उस पिलर को लीजिए, इसको पील कीजिए। पील करने के बाद आपके पास ये वाला हिस्सा इसका बच जाएगा। आप चाहे इसको नॉर्मल सब्जी की तरह बना सकते हैं, चाहे आप इसका अचार बनाइए। इसके साथ इसके अंदर एक अलग चीज पाई जाती है जो कि है इसमें सीड्स। इसकी सीड्स जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कई सारे अच्छी गुड फैट पाया जाता है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर भी पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। नुकसान की बात हम बाद में करेंगे, इसकी सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। ये अगर जिस भी पर्सन को डायबिटीज शुरू हुआ है, अभी इनिशियल फेज में ही उनको पता ही लगा है, तो वो इसको सुखाएं। सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाएं और दिन में तकरीबन 250 से 300 mg या मैक्सिमम 500 mg जितना है वो दिन में कंज्यूम करें दो बार। इससे ज्यादा कंज्यूम ना ही करें क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 250 से 300 ग्राम में ये बहुत ही अच्छा फायदा करेगा आपके बॉडी में, डायबिटीज को बहुत हद तक कम कर देता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ इसकी
जो बीज है ये अपने आप में पेन किलर है। जिन लोगों को अर्थराइटिस का पेन स्टार्ट हुआ है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, मुट्ठी बंद होना बहुत मुश्किल हो जाती है, बॉडी में अकड़न बहुत ज्यादा रहती है, यूरिक एसिड का कंटेंट बॉडी में बढ़ जाता है, तो ये जो सीड्स है इसका 250 से 300 mg पर डे का कंजम्पशन जो है आपके बॉडी में यूरिक एसिड के कंटेंट को कम करता है। इसके साथ साथ यूरिक एसिड से होने वाली बाकी की प्रॉब्लम जैसे कि आपको पेन हो गया, क्रैम्प्स बॉडी में आने शुरू हो गए, लिथार्जिक फील करते हैं, थका थका, वो सारे सिम्टम्स आपके दूर करता है और बॉडी में आपको अच्छा रिलैक्स फील करता है। तो जो लोग लगातार इसका सेवन करते हैं, चाहे वो अचार के फॉर्म में हो, चाहे इसकी सब्जी के फॉर्म में हो, तो उस बंदे का केवल एक महीने के खाने से ये उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है। मान के चलते हैं आपका 300 के आसपास कोलेस्ट्रॉल लेवल था, तो एक महीने के बाद जब आप दोबारा अपना कोलेस्ट्रॉल का चेक करेंगे तो उसमें आपको काफी हद तक राउंड अबाउट 50% रिडक्शन फील होगा। बस कोशिश आपने ये करनी है कि इसके साथ साथ आप बाकी चीजों का ध्यान रखिए, जैसे कि ऑयल कंटेंट आप कम लीजिए, बाहर का फास्ट फूड कम लीजिए, डालडा घी वगैरह कम से कम खाइए, ताकि ये चीजें आपकी बॉडी में नुकसान ना करे और ये चीजें खाते हुए उसका आपको बेनिफिट मिले। इसके साथ साथ अगर आपको बाकी भी इस टाइप की नॉलेज चाहिए, जैसे कि बहुत कम लोगों को पता था कि इसके छिलके का क्या फायदा है, बीज का क्या फायदा है, तो मैं डाइटिशियन जगमीत सिंह होलिस्टिक सेवन के साथ आप लोगों को इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपको पता लगे कि हर एक चीज की क्या वैल्यू है, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर ऐसी नॉलेज आपको चाहिए, हमारे सेंटर पे आइए और इस टाइप की नॉलेज को अक्वायर कीजिए। इसके साथ साथ हम आपको बहुत सारी अलग चीजों पे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिसको लेके आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद को आप स्वस्थ रख सकते हैं।